अभी मैं खड़ा हूँ पटना के नया टोला का यह इलाका है और यहाँ पर एक टी स्टॉल है और इस टी स्टॉल में जो चाय बनाकर देते हैं लोगों को वह राष्ट्रीय स्तर पर तैराक हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तैराक होने के बाद भी वह चाय की दुकान खोल रहे हैं और वहाँ पर लोगों को चाय पिलाने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थिति थी और कैसे इन्होंने तैराकी में कहाँ से कब मेडल लिया था हम बात करेंगे। गोपाल प्रसाद जी, आपने तैराकी में राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लिया है, कब आपने लिया था? 88, 89, 90 तीन साल लगातार हमने 88 में चार मेडल प्राप्त किए, फिर 89 में चार मेडल प्राप्त किए, 90 में दो ठोलिए, उसके बाद पहला नेशनल गेम 44वां गेम हुआ था आपको बंगाल में सॉल्टेक स्टेडियम के करीब, वहाँ भी हम लोग स्विमिंग पूल में मार खा जाते हैं, इसलिए कि यहाँ स्विमिंग पूल बिहार में खेल का कोई कदर नहीं है। बस समझे कि पाँचवा छठा पोजीशन हम लोग का रहता था। फिर उसके बाद 88 में आपको केरल ले जाया गया 89 में, वहाँ भी वही स्थिति रहा, पाँचवा छठा पोजीशन। उसके बाद फिर खेल कूद कम कर दिए, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं, बहुत दौड़ धूप हमने किया, बिहार सरकार के पास उस समय लालू जी के पास भी गए, नीतीश बाबू के पास भी गए, सिर्फ एप्लीकेशन देते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर आपको नियुक्ति की जाएगी, लेकिन अब तक मदद अभी तक कोई मदद नहीं मिला। नीतीश भैया कहते हैं हर साल कि गंगा किनारे हमने तैराक तैनात करेंगे कि ताकि हमारा देश का नौजवान डूबे नहीं, कहाँ तक कुछ हुआ। इलेक्शन आता है, वादा करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं उससे होता है जनता को। आज भी आपके टी शर्ट पर देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव का और तेज प्रताप जी का लगा हुआ है, तेजस्वी की सरकार तेज रफ्तार, लेकिन आपकी रफ्तार पर कैसे विराम लग गया? ये कि न लालू जी की न नीतीश जी की, जिनका टी शर्ट जो मिल जाता है हम पहन लेते हैं, इसे पहनने से फर्क होता है क्या कि भाई अधिक्रमण वाले आते हैं, लोग देख करके थोड़ा सा रहम करता है हमारे प्रति। हाल फिलहाल परसों आया हुआ था अधिक्रमण वाला, तो हमने तो नहीं हटाया कि भाई देखते हैं ले जाता है कि नहीं ले जाता है, तो मेडल उडल टंगा हुआ था, कहने कि आप क्यों नहीं हटाएं। हम कहा सर हम लोग बताइए 8-8 मेडल टांग करके चाय बेच रहे हैं, गिलास धो रहे हैं, जूठा धो रहे हैं, आप लोग कम से कम कॉपरेट कीजिए, हम लोगों को 100 में से 10 को छांट दीजिए जो कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि चाय बेच रहे हैं, फूल का माला बेच रहे हैं, कफन बेच रहे हैं। आप कालीघाट में जाइए, वहाँ भी एक फूल बेचने वाला नेशनल खेले हुए हैं। गुलबीघाट जाइए, वहाँ भी एक कफन बेच रहा है नेशनल खेल करके, क्या करेगा सर। बेरोजगारी इतना बढ़ता गया, ना यहाँ बिहार में कोई कल है, ना कारखाना है, हर चीज़ हमारे देश के प्रधानमंत्री कि आप चाय बेचिए पकौड़ा बेचिए, उनको तो गद्दी मिल गई, आराम से गद्दी पर बैठे हुए देश विदेश घूम रहे हैं। गुस्सा है आपको मौका? हाँ, प्रति गुस्सा है। चाय पर चर्चा चला था 2014 में, हमारा दिल गदगद हो गया था कि मोदी जी हमको नौकरी दे देगा, ठीक है हमारा उम्र खत्म हो गया। अभी भी गंगा में लोगों को सिखाते हैं, ट्रेनर का काम जरूर तो मिलना चाहिए, ट्रेनर का कोई एज नहीं होता है। गंगा में सिखाने के दौरान कभी कभी लोग डूबते भी होंगे, उनको बचाया भी? नहीं, हम टाइट रहते हैं, हमारा नज़र जो जिस लड़का को हम सिखाते हैं हमारा नज़र उसी पर रहता है, इन्होंने नहीं भटकता। डूबते हुए लोगों को बचाए? बहुत को बचाएं, कम से कम 200 लड़का को लड़की को बचाए। हाल छठ के बाद बाहर से आए हुए थे परिवार के साथ, उन दोनों को निकाले, हम ही निकाले वहाँ पर, वहाँ भी गवाह भी है। तो देख रहे हैं कि जिस तरह से आज चाय उबल रहा है, गुस्से में अभी भी उबलते हैं, क्योंकि इनकी जो मेडल है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेडल इनका अब लोगों को सिर्फ देखने के लिए टंगा हुआ है। और जिस तरह से इन्होंने मेहनत किया है और जिस तरह से यह जो पानी को चीरते हुए बिहार के लिए और देश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कि यह मेडल लाए हैं, लेकिन आज यह सरकार के प्रति काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं। नरेंद्र मोदी की बात करते हैं कि चाय कर चौपाल की बात आई थी, शायद इनको नौकरी मिलती लेकिन इनको नौकरी नहीं मिल पाया, उम्र गुजर जाने के बाद उम्र के अंतिम पड़ाव में यह लोगों को चाय बनाकर पिला रहे हैं। अब देखना है कि बिहार की सरकार या देश की सरकार खेल को तो बढ़ावा दे रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मेडल और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार लिए हुए यह गोपाल सिंह यादव जी जो हैं आज चाय बनाने पर मजबूर हैं, और लोग और युवा स्पोर्ट्स के प्रति कैसे आगे आएगा और इनका आगे के समय में क्या होगा, यह तो सरकार के लिए सोचने वाली बात है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।